डिस्टेंसिंग के हथियार से भारत जिस तरह से कोरोना को मात दे रहा है उसकी तारीफ सारे विश्व में हो रही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोरोना रूपी ये दानव अगर 2014 में भारत में आया होता तो हम लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग से इससे निपट पाते? कल्पना कीजिए 2014 में जब 10 करोड़ परिवारों के घरों में शौचालय नहीं बने थे तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग कारगर साबित होती? ये सोच के मन घबरा जाता है। जब 8 करोड़ महिलाओं के पास उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं था तो लॉकडाउन सफल हो पाता? 2 करोड़ परिवारों के पास उस वक्त अपना घर नहीं था, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन सफल हो पाता? कभी सोचा है कि 18,000 गांव और 3 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी, उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की लॉकडाउन की कल्पना की जा सकती थी? देश में 36 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं होते तो क्या आज जो मदद उन्हें मिल पा रही है वो मिल पाती? ऐसे में जो लोग आज सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें ये बताना भी जरूरी है कि मोदी सरकार की ये योजनाएं ही आज इस बीमारी के खिलाफ ब्रह्म अस्त्र बनकर खड़ी हैं, जिससे कोरोना वायरस से हम मजबूती से लड़ पा रहे हैं।